हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी A1 के एंड्रॉइड पाई के अपडेट के बारे में। ये जो एंड्रॉइड पाई का अपडेट है, ये स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ये अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। नेदरलैंड, USA और बेल्जियम, इन कंट्रीज में ये रिलीज कर दिया गया है Xiaomi की तरफ से दोस्तों। लेकिन YouTube पे कई ऐसे वीडियोस बन चुके हैं जिनमें बताया गया है आप VPN की ट्रिक यूज करो और अपने मी A1 को एंड्रॉइड 9 पाए में अपडेट कर लो। तो दोस्तों, मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि कितने हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई, उन्होंने VPN ट्रिक से ये जो है एंड्रॉइड 9 पाए का अपडेट अपनी मी A1 में कर लिया है। और जिन्होंने किया है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए, जिन्होंने नहीं किया है वो भी बता सकते हैं कि हमने अभी तक नहीं किया है ये एंड्रॉइड पाए का अपडेट। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो ट्रिक है ये कोई मी A1 यूजर्स के लिए वर्क कर रही है, किसी के फोन में ये वर्क नहीं कर रही है। और दोस्तों, मुझे ये भी लगता है अगर आप इस तरह से एंड्रॉइड पाए का जो अपडेट है ये अपडेट कर लोगे अपने मी A1 में, तो उसमें आपका जो अपडेट है वो रीजन चेंज हो जाएगा, वो होगा नेदरलैंड का। और हो सकता है कि आपको कोई फीचर इसमें ना मिले, या हो सकता है कि आने वाले जो सिक्योरिटी अपडेट्स है वो भी आपके फोन में ना आए जल्दी से। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स तो बताई थी और कई यूजर्स ने कर भी लिया होगा, उसमें कौन से बग्स है ये तो अभी पता नहीं चला है। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके, क्या आप स्टेबल अपडेट के लिए अभी भी वेट कर रहे हो, या तो फिर एंड्रॉइड 9 पाए का जो अपडेट है वो VPN ट्रिक से कर रहे हो, अपने मी A1 के लिए ट्राई कर रहे हो। अगर आपने ये अपडेट कर लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये अपडेट कैसा लगा है। और दोस्तों, ये अपडेट करने के लिए आपको कई सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और इतना करने के बाद भी आपको अपडेट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें आपको गूगल सर्विस फ्रेमवर्क, गूगल की लोकेशन सर्विस, गूगल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सभी जो चीजें हैं इनका डेटा और कैश मेमोरी क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपडेट के लिए ट्राई करना होगा और वाईफाई भी कनेक्ट करना होगा। और वाईफाई अगर आप दूसरे फोन से यूज कर रहे हो हॉटस्पॉट ऑन करके, तो उस पर भी ये अपडेट काम नहीं करता है। इसके लिए आपको वाईफाई राउटर की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये अपडेट जो है आपके फोन में आ जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप इतना झमेला, इतना झंझट करके एंड्रॉइड पाए का स्टेबल अपडेट जो है वो भी नेदरलैंड का, क्या आपने मी A1 में इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं, या तो फिर वेट कर रहे हो अपने इंडिया के जो OTA अपडेट आएंगे उस समय आप अपडेट करोगे, मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये मैं सिर्फ आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।